अच्छा हाथ करो पूरा। हाँ इसके आगे बोलना नहीं होता ये कर रहा। अब हम जब बोलेंगे ये आ जाए सर। अच्छा देखते रहें और ज़्यादा हिलाना मत, इसको नहीं पकड़ना है। चाहे चाहते ये हाथ यहाँ लगा ले उसने ऐसे। हाँ आगे उंगली नहीं जाए, हाँ आगे जेंस है ना, देखो है दिख रहा है। ये देखो आज कौन तारीख है, 7 जी 7 अप्रैल 2011 जी। आज करीब करीब 3 या 4 दिन नवरात्र में निकल गए हैं, आज चौथा दिन है शायद, 4 दिन नवरात्र के निकल गए। आप हैं हमारे या मुंशीगंज के, नाम क्या है, सुशील, सुशील कुमार अग्रहरी। अग्रहरी मतलब जो बनिया जात में आते हैं, बनिया जात में श्रेष्ठ माने जाते हैं, धर्म कर्म में ये लोग श्रेष्ठ हैं। मुंशीगंज, यही रायबली के पास में मुंशीगंज है। इनकी तबीयत खराब है, फिर भी ये 40 किलो कना तबीयत खराबी में भी लेके आए। इनकी पत्नी ने इनको जोर दबाव दिया कि कना दियाओ, नवरात्र निकल जाएगा तब कना दोगे। तो जो लोगों ने हमसे वादे लिए थे वो लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, उनका कुछ काम नहीं बनना होता है। सही बात हम बता रहे हैं, अरे अब हम सही बात आपको, सही रास्ता बता देंगे, आपका काम बनेगा। सही रास्ते आप चलोगे आपका काम बनेगा। ना बच्चा उसको ना बजाओ। लेकिन आज के हर जमाने में इतना अंधा समाज, हर पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े पढ़ा लिखा तबका जो है वो भी यही चाहता है कि मेरे बारे में सही रास्ता मत बताओ, मक्खनबाजी करो, हाँ हाँ जय हो आपकी। अब बड़ी इतनी धर्मात्मा महिला, उन्होंने वादा लिया और भूल गई। अच्छा मेरे पास इतना समय नहीं तब हम सबको हलो हलो करें, मेरे पास इतनी भाई 72 साल के हो गए, रोज रोज हमारी उम्र बढ़ रही है, काम मेरे पास बहुत है। तो होली मिलन में ज्ञानलता जी ने कहा कि पैसे मैं भेज दूंगी, और कहना हमका मैडम हमको पैसे ही हिलाओ मत जाते, ऐसे बैठ जाओ काजी से चुपचाप ऐसे बैठे रहो, हाँ एकदम आ रहा है ना, वो आगे उंगली नहीं लगाना है, ऐसे हाथ में पकड़ लो लेकिन उंगली मत लगाओ आगे। तो उन्होंने कहा कि हमका देखिए पैसे से हमको बड़ी दिक्कत होती है, आपने पैसे दिए अब हम सामान के इंतजाम करें, उसके बाद फिर हम उसको खिलावें ड्यूटी, इससे अच्छा कि आप लोग स्वयं करें। आप बंदर खिलाइए, गधे को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, गरीब बच्चों को खिलाइए, गाय के पानी पीने की व्यवस्था करें। आज तक गाय के पानी पीने के बारे में कोई बड़े बड़े महात्मा शंकराचार्य कोई बोला, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। और यही रायबली में सैकड़ों हौदे सीमेंट के, जिसमें जानवर चारा खाता है, पानी भरा जाता है, उसको यहाँ हौदा बोलते हैं। सैकड़ों हौदे खरीद खरीद के पूरे शहर में बंटवाया। जो हमारे तो इतिहास है, हम तो कर ही रहे हैं, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। कथा भागवत लोग करवाते हैं, अब क्या हम ऐसे बड़े लोगों का और सेठ लोगों का, 25-20-25-25-50-50 हजार रुपए देते हैं भंडारे के नाम पर। उनसे मैं उनसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि आप भंडारा में किसको खिलवाते हैं, कहाँ है साधु, रंगीन कपड़ा पहन लिया साधु हो गया। साधु का मतलब यह है कि जो सेवा करे निस्वार्थ, वही साधु है। किसी साधु को हमने नहीं देखा सुअर उठाते कुत्ता उठाते, कभी देखा नहीं देखा, वही पूजा वही मंदिर वही मंदिर वही पूजा वही भगवान की बात करते हैं, और फिर भी वो तुमसे मांग के खाते हैं। अब मेरा अंधा समाज लोग कहें बाबा जी, लोगों को जनता को कहना चाहिए ना कि बाबा जी जब आप स्वयं में इतना पावर वाले हैं तो अपने पावर से खाइए, हमारे गरीब आदमी से आप पैसा क्यों देते हैं, है ना उचित बात भाई। अगर बाबा हैं तो भगवान से मांग लीजिए, ऐसा चमत्कार हो जाए कि अपने आप पैसा चलावे। हम गरीब लोगों से खून पसीना, ये लोग बेचारे अगर रेहड़ी समाज के हैं ये अपना कना का बिजनेस करते हैं, जो धान की भूसी कना है उसका उसे हिलाते हैं, उसी में 2 पैसा इनको बचता है, अपना परिवार चलाते हैं। कितना कठिन काम है, मुंशीगंज से 40 किलो उधर का कैमरा घुमाइए, अभी देखिए बोरा आके रखा है, ये 40 किलो कना है। अब ये बेचारे साइकिल से लाद के आए हैं, उनका ये छोटा बच्चा है आगे बैठ के आया है,
तबीयत इनकी ठीक नहीं है, फिर भी बेचारे आए क्यों कि बाबा जी के यहाँ जानवर वापस लौटेंगे। आज रोज सुबह मेरे यहाँ गाय आती है, मेरे यहाँ तमाम गधे आते हैं। दोनों हाथ लगा दो, एक हाथ एक हाथ से पकड़ लो, तुमको हाँ सपोर्ट मिल जाएगा, बस आगे कैमरे के आगे उंगली न जाए, हाँ ऐसे लगाए रहो। तो रोज जानवर आते हैं, अब बताइए नवरात्र में गौ माता अपने आप आवे, गधे अपने आप आवे, कुत्ते आवे, उनको खिलाने वाला बाबा हम ना, कोई तनख्वाह ना कोई दक्षिणा, है ना? सही बात, यह है बाबा का काम, मिलना लेना देना कुछ नहीं। इस कैमरे के आगे बोलने का मतलब मैं लोगों को आगाह करता हूँ कि जरा कुछ बुद्धि से काम लीजिए, डिग्री से और पैसा से और पद से आप बड़े आदमी नहीं हो सकते हैं, बड़े आदमी कर्म से सत्कर्म से आगे बढ़िए। पद पैसा आ गया तो आप बड़े आदमी बन गए, अपने आप को बड़े आदमी हो तो अपने आप को रोके रहो, तो हम जाने तुम्हारी भी मौत आएगी, एक कुत्ते की भी मौत आएगी, हमारी भी मौत आएगी, शंकराचार्य की भी मौत आएगी, सबको जाना पड़ेगा, कौन छोटा कौन बड़ा। तो जो हित की बात करे, अच्छी बात करे, उसी की उसी को गुरु मानो। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तुलसीदास ने लिखा है। हम तो नहीं आज तक किसी बड़े आदमी को देखा मैंने कि वो किसी को अपना अपने करीब रखता हो निंदा करने वाले की। अब फिर आप भगवान की बात करते हैं, तुलसीदास की बातों को ठुकराते हैं और भगवान की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, भगवान आपकी सुनेंगे? कुछ नहीं सुनेंगे, कोई काम नहीं आपका बनेगा, वो तो आपका पूर्व जन्म का जो संचय है वही आप कैश करवा रहे हैं। बड़े आदमी बने हैं, आपके पास बहुत पैसा है, नेता हैं, अभिनेता हैं, अधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, जो भी हों, आप ये पिछले जन्म का भोग रहे हैं, पा रहे हैं इस जन्म। हिलाओ मत कैमरे को, और न सिर हिलाओ तुम, हम तुमसे नहीं कैमरे से कह रहे हैं। तो आप जो हैं आप को सोचना चाहिए, आप अच्छा काम करेंगे आपका आपका अगला जन्म बनेगा, मुसीबत से आप बचे रहेंगे। हैं हम हो या हमारी जगह और कोई हो, ऐसे बाबा को आप प्रणाम करें जो आपका आपके हित की बात करता हो। कैमरा जरा सीधा करो, टेढ़ा भी है, ऐसे ए ए ऐसे ऐसे। अब इसको स्टैंड में रखा करेंगे, तुम लोग नहीं चलो संभाल पाते हो, कैमरा थोड़ा सा तुम्हारा झुका हुआ है, तुम्हारा सर भी झुका है, कैमरा भी झुका है, ठीक है नहीं ऐसे करो, सीधे करो, हाँ और ऐसे करो, ये पट्टी जो है, अच्छा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जिससे बने ठीक है, बस ठीक, अब ऐसे रोके रहो। तो कहने का मतलब है कि ऐसा बकबकाना, कहना, सुनना, खून जलाना है, इस अंधे समाज की आंखें मैं खोलता समाज। और कबीर साहब ने कहा था यह जगंदा और कई समझाऊं, तो ये आप उन्हीं अंधों में से ना बने आप। अच्छा, और भगवान एक बात और बतावे, अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तब तो बाबा की बात आपको पसंद आवेगी, तब तो आपको तुलसीदास रामायण की बातें अच्छी लगेंगी। अगर आपको भोगना है तो बाबा की आप अनदेखी करेंगे, नकल उतारेंगे, बाबा की बातों का आप ध्यान नहीं देंगे, क्यों? आपको भोगना है, आपको सजा मिलनी है। ये तो दिमाग से सोचो कि बाबा कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है और लेता कुछ नहीं, तो इससे बड़ा बाबा कौन होगा? सही बात। इस तबीयत खराब की हालत में ये मैज हमारे हमारे तपस्या को देख करके इनको आना पड़ा, पत्नी ने इनको जबरदस्ती, इनकी पत्नी ने इनको जबरदस्ती भेजा कि देखो वहाँ बाबा की यहाँ नवरात्र के समय है और हर हालत में जाओ। और ये बेचारे सामान लेके आए, कना लेके आए हैं, 40 किलो कना है, ये जानवरों को रोज दिया जाएगा, गाय को गधे को। तो व्यवहार है कि क्या व्यवहार है, इस आदमी को इनको मालूम है, बैठ जाओ तुम भी आ जाओगी इसी में, बैठ जाओ, एक व्यवहार है। तो ये कना बेचारे लेके, तबीयत इनकी खराब है, कना लेके आए हैं। रोज सुबह हमारे सामने दरवाजे गाय आती है, बड़े लोगों ने वादा दिया, हाँ हाँ बाबा जी बस पैसा मैं भेजूँ। अरे पैसा भेजेंगे पहले भेजो, अब बाबा जी अपने पास से पैसा लगा, मैं आपके नाम से गधे को कुत्ते को गाय को नवरात्र में बेटा इनको खिलाना हजारों पुण्य, इससे बड़ा कोई पुण्य है? ये भी ब्राह्मण है, हमारे खानदानी है, तुम सर ना हिलाओ ना, पैसे से खाना तुम्हारे हिलने से कैमरा। तो
कहने का मतलब यह कि इनको तो जानकारी है, एक गाय अगर आपके दरवाजे इतना चूनी चोकर खा के चली गई तो 500 महात्मा का भोजन हुआ कि नहीं? क्यों कि आज महात्मा है कहाँ? महात्मा कहाँ है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। देखा, इनका भी यही कथन है। इधर भी देखो, इनका आ रहा है ना, तो हम थोड़ा और पीछे हो जाओ ताकि सब कोई ना, सब कोई आ रहा है सब। हाँ, अब अपने हाथ लगा दो इसे ताकि थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ हाँ, आ रहे हैं सब कोई। हाँ। दिक्कत हो तो और वहाँ खंभे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हर व्यक्ति कहता है, जानता है कि एक गाय, एक गधा, गधा देवी का वाहन है। तो देहात में गधे तो है नहीं, शहर के अंदर है। तो अगर गधा आया, इतना कना चूनी चोकर आपका खा के चला गया, तो एक समझिए कि आप निकलो नवरात के व्रत हो गए कि नहीं है? भाई नवरात में आप व्रत रहे तो आपने देवी को क्या दिया? आपने तो कुछ दिए नहीं, खाली मक्खन देवी का लगाया, खुशामद किया, तो लोग देवी प्रसन्न हो गई। तो हम कैमरे के आगे मैं बोल रहा हूँ, हमारा पढ़ा लिखा समाज इससे सबक लिया सीखे, कोई भी देवी देवता न तो नाराज होता है और न ही वो खुश होता है। उसने एक कानून, एक नियम बना दिया। क्या? नौ ग्रह उनके सिपाही हैं, भगवान के यहाँ केवल नौ सिपाही हैं, दसवां नहीं है, नौ सिपाही। कुछ सिपाही हैं जो अच्छे ग्रह हैं आपके, वो आपकी मदद करते हैं। कुछ सिपाही ऐसे हैं जो आपको दंड देने का काम करते हैं। ना भगवान खुश होता है और ना नाराज होता है। अपने दिमाग से अगर हो निकाल दीजिए। अभी कल रात में मैं टीवी देख रहा था, टीवी में एक से एक विद्वान आ रहे हैं, देखिए अंधा समाज, और ज्योतिषाचार्य बैठे हैं और शनि देव और फलाने देव, आ नाटक, शनि देव लगाए हो। अरे पहले अपनी शनि उतारो तो हम जान जाएंगे तुम बड़े भारी पंडित जी हो। कोई अनि शनि नहीं, कर्म सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से शनि की शांति अपने आप होने लगेगी। सत्कर्म करने से क्या, आपने गलत काम किया है, तभी शनि आया है, तभी राहु आया है। तो जब राहु शनि आया है, नोटिस लेके आया है, आप मुकदमा लड़ोगे, खड़े रहो तो अपनी जगह, कभी साइड आवे, कभी सामना आवे, जरूरी नहीं कि सामना आवे। तो अब आज पहला चांस इसलिए बता देते हैं। तो ये भाई पुलिस आई, आपको वारंट दिया, पकड़ा धकड़ा, अदालत में पेश किया, आप वकील करेंगे, वहाँ खर्चा करेंगे, तभी आपकी सुनवाई होगी। ठीक यही भगवान के यहाँ हाल है। आपको कोई सजा मिलती है, अभी एक नाव था बेचारा, उसका हड्डी भी टूट गया एक्सीडेंट में होली के पहले, तो अभी हमको सूचना मिली तो हमने कहा जाएंगे, देखेंगे जाकर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अब आप जाइए अभी और फिर आइएगा, मुलाकात कीजिएगा और जाइए। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो कहने का मतलब यही है कि इतना कहना, समझाना, बताना, ये मैं जब चैलेंज करता हूँ। अभी समय अन्ना हजारी जो अनशन में बैठे हैं, आमरण अनशन में, मैं भी यहाँ बैठता, लेकिन वहाँ पर फुर्सतगंज है, रायबरेली में एक जगह है जहाँ हवाई अड्डा है फुर्सतगंज, वहाँ पर एक बाबा हैं मुरारी दास, हमारे बड़े खासम खास हैं, बहुत हमको मानते हैं, हमारे गुरु भाई हैं। तो वो उनके यहाँ हनुमान जी की स्थापना है इसी नवरात्र में, वो पूरी तैयारी में लगे हैं, पूरा हमारा साधु संगठन यहाँ का जो है उसी में लगा हुआ है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये पहले नवरात्र वाला काम निपट जाए, इसके बाद फिर साधु समाज बैठेगा अनशन में, और हम आज ही कल में पेपर में देंगे कि अन्ना हजारी जी, अब आप चिंता न करेंगे, आप मतलब आपके पीछे पूरा साधु समाज अब आने वाला है, पूरा साधु समाज। बाबा रामदेव को जो नहीं समझ पा रहा है वो मूर्ख है, रामदेव को समझो। और रामदेव को समझने मतलब रामदेव ने कितना काम किया है, कभी तुमने सुना, तुम्हारे पुरखों ने सुना था, ऐसे आदमी के लिए पूरे विश्व के अंदर वो छा गया है, जनहित की बात करता है, पैसा नहीं लेगा, पैसा नहीं इकट्ठा करेगा, तो इतने बड़े बड़े आयोजन कैसे करेगा वो? सही बात, कर तो रहा है वो आपके लिए, काला धन आवेगा तो कहीं बाबा रामदेव को मिल जाएगा, पूरे देश के काम आवेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि काला धन वापस आना चाहिए।
अब सारी पार्टियां जो हैं उनको चाहिए, हम चाहते हैं जो हिंदू संगठन से जुड़ी पार्टियां हैं वो बाबा रामदेव के पीछे खड़ी हो जाए, उसकी ताकत को बढ़ा दो, एकदम फट से ताकत को बढ़ाओ। जातवाद, बाबा रामदेव जातवाद अगर कोई खत्म करेगा तो रामदेव ही खत्म करेगा। ये बीएसपी वाले नहीं खत्म कर पाएंगे जातवाद, और खुद अपने आप को दिखाते हैं मैं दलित हूँ। कौन दलित? कुछ नहीं जी, जो तुम हो वही मैं हूँ, कोई अधिक दलित नहीं। तुम अपनी पहचान काय बनाते हो, कोई दलित नहीं। यह पार्टी देखा जाए तो जातवाद के खिलाफ में अगर है तो ये बीएसपी है, इसके आगे जात नहीं लग। लेकिन तुम अपनी पहचान अलग क्यों बनाते हो? अरे नदी गंगा जब सागर में मिल जाती है तो कहा गंगा रह जाती है? तो सागर में मिलो, सागर में मिल जाओ। तो कहने का मतलब कि बाबा रामदेव के लिए हम, उनका अगर मामला ना होता तो मैं कल ही से अनशन में बैठ गया होता। क्यों? 49 दिन का अनशन अकेले दम से मैं बैठा हूँ गंगा जी के नाम से, बाबा रामदेव के आवाहन पर। उन्होंने आवाहन किया कि एक लोग उपवास करेंगे और मैं 49 दिन का उपवास मैंने किया। 49,000 कर्म हुए हैं मेरे। हम गृहस्थ आदमी हैं, केवल बैठने वाले बाबा नहीं हैं। गाय की भी सेवा है, गधे की सेवा, कुत्ते की सेवा, बंदर की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, और उसके बाद फिर अपनी भी सेवा। जिस घर में मैं रहता हूँ आटा दाल चावल नमक हल्दी मैं ला के नहीं दूंगा तो खाना कहाँ से आवेगा? सोचिए आप, एक अकेला आदमी, कम है काम, कम है काम। हमारा मतलब ये, हम अच्छी बातों को बताते हैं। अब हमको यही हमें कटु वचन बोलना पड़ता है कि अरे मूर्खो सोचो, हमारी बातों के ऊपर चिंतन करो, मनन करो, हमारे भाव को देखो। हमारे भाव क्या हैं? समाज के लिए, देश के लिए। हमारे शब्दों को मत पकड़ो, लच्छेदार मैं भाषण नहीं देना जानता हूँ, मेरे पास कोई डिग्री विग्री नहीं है। और डिग्री वाले होते हैं सीता जी के बाल के खाल और फिर उसके बाल निकालते हैं, फायदा उससे क्या है? सीता जी के सर में कितने बाल थे आप जान के क्या करोगे? हवाई जहाज की कीमत इस समय क्या है मार्केट में आप जान के क्या करोगे? सही बात। जहाँ देखो भगवान की बात कर रहे हैं, कौन भगवान? आपका कर्म ही भगवान है, आपके विचार ही भगवान है, आपका सत्कर्म ही भगवान है। देश में हत्या हो रही है, मैच के ऊपर करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, बाबा रामदेव को आने दो। हम तो मांग करेंगे मैच को पूरी तरह से बिल्कुल बंद करा दिया जाए। जिस देश में दहेज हत्या हो रही, बाल हत्या हो रहा, सड़कें नहीं है, साइकिल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम मैच खेल रहे हैं आप, मैच के ऊपर करोड़ों रुपए यानी करोड़ों रुपए फूका जा रहा है। जापान का नहीं खेलता, इतना बड़ा बच्चा जापान का जो है, इतना बड़ा था जापान, इतना बड़ा पूरे पूरी दुनिया में छाया है, इतने इतने बच्चे वहां घड़ी बना रहे हैं, कैमरा बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहले अपनी गरीबी हटाओ, पहले पेट में रोटी पहुंचाओ, तो फिर क्रिकेट देखना। सही बात। मर रहे सारे भूखे और वहां क्रिकेट में पागल है, भूखे मर रहे हैं, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, दहेज हत्या हर बताते हैं कि हर 5 मिनट में एक हत्या हो रही दहेज पूरे देश के अंदर। कितना बड़ा कोढ़, कितना बड़ा कलंक है हमारे समाज के लिए। भगवान भगवान, बाबा बाबा, मंदिर मंदिर, जहाँ देखो कौन मंदिर? पहले अपने आप को सुधार लो, वही मंदिर है, है ना? सही बात। अपने आप को सुधारो तब वही मंदिर है, तभी मंदिर की बात करो। तो हम वाणी को विराम देते हैं, इतने दूर से बेचारे आए हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। अब आप कहने को जो है आधा बोरा डाल दीजिए, आधा डब्बे में डाल दीजिए, लाइए इसको आप थोड़ा सा पलटवा में, और कुछ देसी दवा वगैरह। भैया देसी बेल आपके यहाँ मिल जाएगा? बेल उबालो, 2-3 दिन नवरात्र में बेल खा लो सवेरे, खाली पेट। भगवान कर चलने दो, चलने दो। अच्छा दिखा इसको, इसको दिखा। हाँ चलने दो, हम खुद बताएंगे ना जो करना होगा, हम खुद बताएंगे। आधा करीब करीब पल, कुछ पुराना सा महक रहा है? नहीं बाबा, बिल्कुल ताजा है। अच्छा, पुराना नहीं लाने। हाँ, इसीलिए तो आपसे मंगवाते हैं कि हमको ताजा खाना मिल जाता है। ठीक, अब इसी से निकाल निकाल के दे देंगे, तो आप बाकी उसके अंदर पलटवा दीजिए। तो कितना इसका पैसा हुआ?
160 इसका मतलब कीमत ना। अच्छा ठीक, इसकी हम ढुलवाई भी आज आपको देंगे। 160 का कने का दाम हो गया और 10 रुपए भी बेचारे लाते हैं इस भूख में। मुंशीगंज से 5 किलोमीटर आना 5 किलोमीटर जाना, तो अभी लागे दिए दे रहे हैं। और यही बताया ना, अब पैसे कहाँ से लेंगे, अब न कमाई न धमाई न नौकरी न चाकरी, अभी पत्नी से मांगेंगे जाके। तो जो लोगों को धर्म कर्म करना हो मन लगा के करो, और नहीं तो जाओ कराओ पूजा, बुलाओ पंडित जी को। पंडित जी पहले पंडित जी अपना अपना गया कर ले, फिर तुम्हारा फिर काम बनाएंगे। एक दिमागी फितूर है, नवरात्र है, कलश है, पूजा क्या पूजा कलश, पंडित बात करते हो, सेवा करो, देना सीखो। देवी तो नहीं मिलेगी, गधा तो है, देवी का वाहन उसको दो, देवी का वाहन गाय है, गाय को खिलाओ, चुनी चोकर जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी मंगा के रख लीजिए, पानी की व्यवस्था रख लीजिए, सीमेंट का हौदा रखिए। एक गाय एक गधा एक कुत्ता अगर खा के पी के आकर दरवाजे से चला गया तो 500 महात्माओं का भोजन हो गया। मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, मेरी बातों का खंडन तुमको करवाना कराओ, जबकि सारा समाज हमारी बातों से नाराज होगा, साधु समाज नाराज हो जाएगा। हैं हम लोगों को पीछे कर दिया नहीं, और फिर भी साधु समाज हमको चाहता है, क्यों? साधु समाज हमको हीरो मानता है अपना, क्यों? मैं कुछ लेता नहीं, अगर सुअर पड़ा है तो भी उठा लाए, गधा घायल पड़ा है तो भी उठा लाए, उसकी सेवा हम उसी की सेवा करते हैं जिसकी सेवा कोई न करने वाला हो, कोई न करता हो। धन्यवाद।